यीशु दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनई का और एक ठी बीमार महरिया का चंगा करे करत थे। यीशु और उनखर चेला अपन नाव में व क्षेत्र के गे जहाँ गिरासेनी मन नहीं रहत रहे। ऊ व क्षेत्र में पहुँच के नाव से उतर गे। उन्हें एक ठी मनई रहो है जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहो है। यह मनई इतना बलशाली रहो है कि कोई भी ओही नियंत्रित नहीं कर सकत रहो है। कई बार मनई वाखर हाथ और पैरन का जंजीर से भी बांधिन पर वह उन्हीं तोड़ देत रहो है। वह मनई व क्षेत्र में कब्रन में रहे करत रहो है। यह मनई पूरा दिन और पूरा रात चिल्लाए करत रहो है। वह कपड़ा नहीं पहनत रहो है और हमेशा खुद का पत्थर से घायल करे करत रहो है। वह मनई दौड़ के यीशु के पास आओ और उनकर सामने घुटना टेक दईस। तब यीशु व मनई के अंदर के दुष्ट आत्मा से बात करिन और कहिन यह मनई मा से बाहर निकला। वह दुष्ट आत्मा ऊंची आवाज में चिल्लाइस परम प्रधान परमात्मा के बेटबा तो ही मोर से का काम है, कृपा करके मोही न सता। तब यीशु व दुष्ट आत्मा से कहिन तोर नाम का है। वह जवाब दईस मोर नाम सेना है ब कहे से कि हम बहुत हन। रोमी सेना मा कितना हजार सैनिकन के एक ठे झुंड एक ठे सेना होत रही ही। ऊ दुष्ट आत्मा यीशु से विनती करिन कृपया करके हम ही यह क्षेत्र से बाहर न भेज। उन्हें पास के पहाड़ में सूरन के एक ठे झुंड चरत रहो है। यही से ऊ दुष्ट आत्मा यीशु से विनती करिन कृपया करके हम ही ऊ सूरन में भेज दे। यीशु कहिन ठीक है उनके ऊपर चले जा। तब ऊ दुष्ट आत्मा व मनई में से निकल के उन सुअरन में घुस गई और ऊ सुअर दौड़ के एक ठे खड़े किला में से झील में कूद गए और डूब मरीन। वह झुंड में लगभग 2000 सुअर रहे हैं। उन ऊ सुअरन के देखभाल करा वाले मनई रहे हैं जौन कुछ भी भर आओ है। जब ऊ देखिन तब ऊ नगर में भग गए। यीशु जौन करे रहे हैं उन ऊ सब का बताइन। वह नगर के मनई निकल आए अब वह मनई का देखिन जामा दुष्ट आत्मा रही हैं। वह शांति से कपड़ा पहने और एक ठे सामान्य मनई के जैसे व्यवहार करत व बैठो रहो है। ऊ मनई बहुत डरत रहे हैं और ऊ यीशु से चले जाए किलाने कहिन। यीशु नाव में चढ़ गए। वह मनई जामा दुष्ट आत्मा रही हैं वह यीशु के साथ जाए किलाने विनती करीस। पर यीशु ओसे कहिन नहीं मैं चाहत हूँ कि ते घर जाके सबका बता कि परमात्मा तोरे लाने का करिन ही। उन्हीं बता कि कैसे परमात्मा तोरे ऊपर दया करिन ही। ऐसे वो मन नहीं चलोगा और सबका एक ही बारे में बताइस जौन यीशु ओखे लाने करे रहे हैं। ओखे कहानी का सुना वाले हर को चकित रहो है। यीशु झील के दूसर तरफ लौट आइन। उनके वहाँ पहुँचे के बाद एक ठे बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठा हुई गा और उन्हीं दबामा लगी। वह भीड़ में एक ठे महरिया रही ही जोन 12 साल से लहू बहा के समस्या से परेशान रही ही। वह अपन सारा धन चिकित्सकन का दई दे रही हूँ ताकि ऊ वही ठीक कर दें पर वाखा रोग और बिगड़ गया रहो है। वह सुने रही ही कि यीशु कई बीमारन मनई का ठीक करे करत थे और वह सोचिस मैं निश्चित हूँ कि अगर मैं केवल यीशु के कपड़ा ही का छू लई हूँ तो मैं भी ठीक हो जाई हूँ। यही से वह यीशु के पीछे से आईस और उनखर कपड़ा का छू लईस। जैसे ही वह उन्हीं छुईस लहू के बहना बंद हुई गा। तुरंत ही यीशु जान लेन कि वह मस से सामर्थ निकलो है। यही से ऊ पीछे मुड़ के पूछिन मोही को छुईसी। चेला जवाब देन हिन इतना सारा मनई तोरे चारों तरफ भीड़ लगाए ही बा और तो ही धकेल देते ता ते कहे पूछे कि मोही को छुईसी। वह मेहरिया यीशु के सामने कांपत अब बहुत डरे डरे अपन घुटना के बल बैठ गई। तब वह बता दईस कि वह का करीस और यह भी कि वह ठीक हो गई ही बा। यीशु उसे कहिन
तुर विश्वास तो ही चंगा करीसी, शांति से जा। मत्ती अध्याय 8, 28 से 34, 9, 20 से 22, मरकुस 5, 1 से 20, 5, 24 से 34, लूका 8, 26 से 39, 8, 42 से 48 से बाइबल की एक कहानी।